उधर थल सेना अध्यक्ष बिक्रम सिंह ने शहीद हेमराज के परिजनों से मुलाकात की और जनरल बिक्रम सिंह ने मथुरा के शहीद हेमराज के परिवार वालों से मुलाकात कर अपनी राय भी जाहिर की। सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह शहीद लांस नायक हेमराज के गांव पहुंचे। जनरल सिंह ने शहीद हेमराज को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिवार से मुलाकात की। जनरल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की गलती माफी के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि शहीद हेमराज का सिर लाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि शहीद हेमराज का परिवार उनका अपना परिवार है। जब ये 15 जनवरी का जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें मुझे बताया गया था कि जो परिवार है, जो माता जी है, हेमराज की पत्नी है, उनको रखा हुआ है, वो व्रत तब तोड़ेंगे जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यहाँ पे। इसी कारण है उसको मैंने बताया था कि मैं सबका आऊंगा, उनके परिवार से मिलूंगा, क्योंकि ये मेरा परिवार है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर सेनाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय सेना जरूरी कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान के इस आरोप का आर्मी चीफ ने खंडन किया कि भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी फौजी को मार गिराया था। उनकी कोई कैजुअल्टी हुई है तो जैसे मैंने उस दिन 15 तारीख को बताया था, हम कार्रवाई करते हैं बड़ी सोच और समझ के बाद, और अगर उनका कोई आदमी अगर मरा है तो वो जो हमने फायर किया है जवाब के अंदर, जो हमने फायर किया है उसके अंदर मारा गया है। जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि शहीद हेमराज के परिवार की मांगे मानी जाएंगी और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। गांव के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर बात भी की जाएगी। सेना अध्यक्ष का 18 जनवरी को पाक की नापाक हरकत में शहीद हुए दूसरे लांस नायक सुधाकर सिंह के घर सीधी के जड़िया गांव जाने का कार्यक्रम है। सेना के शेर शहीद हेमराज के परिजनों से विक्रम सिंह की मुलाकात के बाद विक्रम सिंह ने आश्वासन दिया है कि गांव के विकास के लिए, साथ ही शहीद के परिवार के लिए वो जो हर संभव कोशिश करेंगे।